न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा के कार्यों की हुई समीक्षा। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अब की पौधरोपण में पर्यावरण के साथ सेहत की भी चिंता। शौचालय पाने वाले 2 करोड़ लाभार्थियों के घर लगेंगे सहजन के पौधे। एक दिन में लगेंगे रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की वृहद वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक। कहा लगाए उपयोगी पौधे जिससे किया जा सके व्यावसायिक उपयोग। आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा पिपराइज के ग्राम सभा माधोपुर में आयोजित हुआ कोरोना जागरूकता शिविर। जिलाधिकारी ने कहा शिविर में स्वास्थ्य रोजगार सहित राजस्व के मामलों का होगा निस्तारण। मंगलवार की रात गुलहरिया थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में घायल अपराधी विपिन सिंह की इलाज के दौरान बुधवार को लखनऊ में हुई मौत। एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया मृतक अपराधी के ऊपर विभिन्न थानों में दर्ज है दर्जनों आपराधिक मामले। मंगलवार को भी प्रॉपर्टी डीलर पर चलाई थी गोली। झंगा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर में वांछित अभियुक्त 20,000 के इनामी को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर का ब्रेक फेल होने से पलटी गिट्टी भरी ट्रैक्टर ट्राली, मौके पर हुई चालक की मौत। गोला थाना क्षेत्र के पांडेपार निवासी 26 वर्षीय विवाहिता ने गले में फंदा डालकर की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। जनपद में बुधवार को नए मिले 3 कोरोना संक्रमित मरीज। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 148, एक्टिव केस की संख्या 86, डिस्चार्ज हुए 55, जबकि अब तक 8 की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोले जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर कराया गया सैनिटाइज। डीपीआरओ ने कहा दर्शनार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कराया गया है सैनिटाइज। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री पशुचारों के रेट निर्धारित की प्रक्रिया को किया गया समाप्त। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा मार्केट के हिसाब से होगा रेट निर्धारित, लेकिन जांच टीम के माध्यम से रखी जाएगी नजर। अनलॉक 1 में जिला प्रशासन के बिना अनुमति के धड़ल्ले से चल रहे ई रिक्शा का कोतवाली पुलिस ने किया चालान, जुर्माना लेकर छोड़ा। संविदा चालक परिचालक समिति के बैनर तले संविदा कर्मियों के वेतन कटौती के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन, पूरे वेतन भुगतान की मांग। और वामा सारथी उत्तर प्रदेश फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन के मेज सभागार में महिला एवं पुरुष आर्चियों को दिया गया योग का प्रशिक्षण, जिससे कोरोना काल में पुलिसकर्मी रहे चुस्त और दुरुस्त।